नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि चीन अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने पर काम कर रहा है और ये काम उसने शुरू भी कर दिया है। और यही नहीं, चीन दूसरे देशों में भी अपने जो सैन्य ठिकाने हैं उनको बनाकर भारत और अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है। और दोस्तों, भारत इसको कैसे टैकल कर सकता है, इस वीडियो में पूरी तरह से जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे बहुत जल्द ही 1,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, चीन खासकर श्रीलंका, पाकिस्तान, केन्या, इंडोनेशिया और अंगोला, ताजिकिस्तान और सिंगापुर, थाईलैंड और इसके साथ म्यांमार और यूएई में खासकर अपने जो सैन्य ठिकाने हैं यहाँ पर बनाने के प्रयास कर रहा है। क्योंकि एक तो ये छोटे देश हैं, इनमें भारत और अमेरिका का जो प्रभाव है वो बहुत कम है, एक दो देश में तो है, लेकिन उसके बाद जो बाकी के मैंने आपको देश गिनवाए इसमें या तो चीन का, जो चीन ने कर्जा देकर उनको कर्जे जाल में फंसा रखा है, या महाभारत का जो प्रभाव है वो बिल्कुल नहीं है। चीन की पीएलए आने वाले 10 सालों में जो अपने परमाणु हथियार है उनको दोगुना कर लेगी और अमेरिका को निशाना बनाना और खास करके अमेरिका को टक्कर देकर एक सुपर पावर के तौर पर उभरना, ये चीन इसलिए ज्यादा कर रहा है। और चीन के पास इनको बनाने के लिए विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के पास अपने परमाणु हथियारों को दोगुना करने के लिए जो मटेरियल है वो आ चुका है। और दोस्तों, चीन 2030 तक अपने परमाणु हथियारों को दोगुना कर सकता है। तो ऐसे में भारत के साथ तनाव में चीन यह सब कर रहा है। तो ऐसे में ये इसलिए भी माना जा रहा है कि ये भारत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए भी चाइना की तरफ से किया जा रहा है। क्योंकि भारत ने जो चाइना का हिस्सा था, यानी कि चाइना जिस हिस्से पर कब्जा करना चाहता था, भारत के जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने उस हिस्से को कब्जा लिया है और वहां पर अपना जो तिरंगा झंडा है वो फहरा दिया। तो ऐसे में चीन बुरी तरह से बौखला गया है कि जो भारत कुछ सालों पहले हमारी वजह से, हमारे डर की वजह से हथियार के परीक्षण करने से पहले 100 बार सोचता था, आज वो हमें किस तरह से जवाब दे रहा है। तो ये बात चीन को जो हजम नहीं हो रही है। तो ऐसे में दोस्तों, भारत ने भी अपनी तैयारी कर ली है, क्योंकि पहले भी खबरें निकल कर आती रही है कि चीन 1,000 परमाणु बम बनाना चाहता है, चीन 600 परमाणु बम बनाने के लिए काम कर रहा है। और ये आंकड़े ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जो चाइना या तो जो खबरें लीक करवाता है उनका आंकड़ा बेहद कम रखता है, या फिर जो आंकड़े वे देता है वे बिल्कुल ही झूठे होते हैं। तो ऐसे में ये आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो भारत ने भी अपने परमाणु जखीरे को बढ़ाने के लिए काम शुरू कर दिया है और भारत 200 से 250 परमाणु बम बनाना चाहता है। और यही नहीं, भारत इन वारहेड्स को ले जाने के लिए जो हथियार होते हैं, जैसे कि मिसाइलें, फाइटर जेट, उनकी जो टेक्नोलॉजी है उन पर खास तौर पर ध्यान दे रहा है, खास तौर पर जो मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर। और भारत के पास मिसाइल टेक्नोलॉजी पहले भी है, तो ऐसे में भारत बड़ी आसानी से बना लेगा। और जैसा कि कयास लगाए जाते हैं कि भारत के पास अग्नि-6 मिसाइल भी है, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक होने वाली है, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है और एक्यूरेसी है वो बहुत ज्यादा एडवांस रहने वाली है। इसकी एक्यूरेसी ही इसको बहुत ज्यादा घातक मिसाइल बनाने वाली है। और लेकिन भारत इसके टेस्ट कुछ कारणों की वजह से नहीं कर रहा है, मैं आपको ये सब पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ। और यही नहीं, भारत को अमेरिका का सपोर्ट भी है, जिसके पास 6,000 से ज्यादा परमाणु बम है और हथियारों में तो वो नंबर वन है ही, मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, सबमरीन हो, बॉम्बर्स हो। तो ऐसे में भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, जबकि चीन के लिए ज्यादा चिंता का विषय है, क्योंकि वो चारों तरफ से आज की तारीख में घिरा पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा आज की इस वीडियो में।